जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिला पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर मिनी गन फैक्ट्री और भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद कर यह सिद्ध कर दिया है। सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां अवैध मिनी गन फैक्ट्री के साथ भारी मात्रा में पुलिस हथियार बरामद हुई है। साथ ही घटनास्थल से पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत जमाल नगर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी की गई, जिसमें मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने वाली मशीन सहित राइफल बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद बात सामने निकल कर आएगी कितने दिनों से फैक्ट्री चल रही थी, इनको किनका संरक्षण प्राप्त था कि संयुक्त छापेमारी में किया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, सदर एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी, सिमरी बख्तियारपुर एसडीपीओ मृदुला कुमारी, बनमा इटेरी थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। बनमा इटेरी ओपी क्षेत्र के अंतर्गत कल दिन भर एसटीएफ की एसओजीवन टीम और सहरसा पुलिस की एक जॉइंट रेड की गई, जिसमें बनमा इटेरी ओपी के अध्यक्ष थे, सरकुआ थाना अध्यक्ष थे, डीआईजी ऑफिस में प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर द्रवेश थे और ये पूरी रेड अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बख्तियारपुर के निरीक्षण में की गई। रेड के दौरान एक अवैध रूप से संचालित हो रही मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 2 जगह रेड की गई थी, एक जमाल नगर, एक बहुआ। इन दोनों जगह रेड के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त का नाम सोमन कुमार है, दूसरे का नाम पिंटू कुमार है और तीसरे का नाम नंद किशोर है। इन तीनों के पास से ही 2 .357 की राइफल, एक पिस्टल, 2 कट्टा है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार हैं, जिनकी बैरल है, मैगजीन है और 2 काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ड्रिल मशीन, लेंथ मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, और भी जो अन्य मशीन और जो टूल्स प्रयोग में आते हैं अवैध हथियार बनाने, उन सबको जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सहरसा।